जय शिव, प्रभु आपको आशीष दे। आज किसी स्थान में प्रार्थना करने के दौरान, प्रभु के साथ संपर्क बनाने के दौरान, उसके प्रेम को और ज़्यादा गहराई से महसूस करने के समय, एक स्थान में बैठे बैठे लोगों को देखते हुए, लोगों के आवागमन करने वाले रोड के स्थान ऊपर दृष्टिकोण करने के दौरान, नदियों में बड़ी गर्मी तेज़ धूप में स्नान करते हुए लोगों को देखकर, पहाड़ों और नदियों और उसके सारे संगम एकांत जगह को देखते हुए कुछ बातों के ऊपर मैं मनन कर रहा था, तो एक स्वभाव को मैंने खोजा बाइबल के वचन में से, और ये है दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं। जिस तरह से ये लोग नहाते हैं और दिख रहे हैं कि वो नहा करके घर जाएंगे, लोग आते जाते घर चले जाएंगे रोड के ऊपर से, वैसे ही अपने अपने कामों को वो प्री प्लान करके करते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। वैसे ही यहाँ पर अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज करते हुए निर्जल स्थानों से होकर निकलती है। जब उसे कोई स्थान नहीं मिलता तो कहती है, मैं अपने जिस घर से निकली थी उसी में लौट जाऊँगी। यहाँ पर दुष्ट आत्मा अपने आप कहती है कि मैं जहाँ से निकली थी वहाँ चली जाऊँगी, और निकलते वक्त वो इधर उधर निर्जल स्थानों से होकर जाती है तो उसको विश्राम नहीं मिलता। विश्राम वो भी एक आराम करना चाहती है, वो भी रेस्ट करना चाहती है, क्योंकि उसको भी थकान है, उसको भी एहसास है। जब वो परमेश्वर के पास में दूत बन करके परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते थे, वहाँ पर विश्राम होता था, वहाँ पर शांति थी, वहाँ पर धूप प्यास भूख नहीं था। लेकिन जब ये परमेश्वर की आज्ञा से दूर हुई, दुष्ट आत्माएं छोड़ दी गई, गिरा दी गई, तो इस ब्रह्मांड में इधर उधर विचरने लगी। लेकिन जब परमेश्वर ने नई सृष्टि बनाई, मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तब उसने उन दुष्ट आत्माओं ने इस आदम की धरती के ऊपर इंटरफेयर किया, और सबसे पहले वो सांप के अंदर घुसी, और बाद में वो धीरे 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 सब स्थानों में, निर्जल स्थानों में रही, पहाड़ों में रही, और वो पूरे पृथ्वी के चारों तरफ मध्य आकाश में फैल गई और इस धरती को भरमाती रही, धरती के लोगों को मिसगाइड करती रही। और आज हम देखते हैं कि उसका रहने का स्थान मनुष्य का जीवन बन गया है। मनुष्य के जीवन को उसने टारगेट क्यों किया? क्योंकि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का काम था। परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य के जीवन को बनाया था, और वो उसका दुष्टात्मा का मुद्दा पहला यह था कि वो परमेश्वर का सबसे मन लगा के बनाया हुआ काम है, उसको वो बिगाड़े। तो सबसे ज़्यादा इस प्रकृति के ऊपर मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम था, और उसी प्रेम के कारण मनुष्य एक सजीव प्राणी और बुद्धिमान प्राणी और क्रियाशील प्राणी, सारी बातों को समझने वाला प्राणी हुआ। तो ये निर्जन स्थान में भटकने वाली दुष्ट आत्माओं ने सबसे पहला टारगेट मनुष्य को किया, और मनुष्य को उसने भरमा ही दिया। वो बाइबल में सारी बातें हम सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके स्वभाव को आज हम समझ गए तो हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, और अगर आज हम नहीं समझते तो हमारे लिए क्या नुकसान है। यहाँ पर देखा जाता है कि वो खुद कहती है कि मैं जिस घर से निकली थी उसी में लौट जाऊंगी, और वो निकलती क्यों है? मनुष्य के जीवन से सुसमाचार के ऊपर मनुष्य विश्वास करता है, यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, तीन दिन तक कब्र में रहा, और तीसरे दिन परमेश्वर ने इसको मृत्यु में से जिलाया, और ये सुसमाचार जो पुस्तक है, बाइबल की जो पुस्तक है, उसके ऊपर भरोसा करने के लिए मनुष्य तैयार होता है, तो यीशु के नाम के कारण उसको मनुष्य के जीवन से निकलना पड़ता है। तो जब वो निकाल दी जाती है मनुष्य के जीवन से यीशु मसीह के नाम के द्वारा, तो वो इधर उधर निर्जल स्थानों में घूमती रहती है, लेकिन कहीं भी उसको रेस्ट नहीं मिलती, विश्राम करने की जगह नहीं मिलती। जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं, जैसे हम धूप में चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो
बड़ा थकान होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें विश्राम चाहिए, बैठना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो वैसे ही जब ये दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं प्रकृति में, निर्जल स्थान में, पहाड़ों में, नदियों में, जल के ऊपर नहीं घूमती रहती है, तो इसको रेस्ट करने के लिए जगह नहीं मिलती, तो मनुष्य का जीवन उसके लिए छाया के समान हो जाता है, विश्राम के समान हो जाता है। और उस दुष्ट आत्मा के लिए ये बर्बाद, तो दुष्ट आत्मा एक तो मनुष्य के जीवन में दो कारण से जाती है, एक तो उसको विश्राम चाहिए, उसके जीवन में जाते ही उसे आराम मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है, उससे बड़ी तसल्ली हो जाती है। और दूसरा एक कारण है, दुष्ट आत्मा को पता है कि परमेश्वर उनको नरक में ले जाके बंद कर देगा, आग में जलने के लिए रख देगा। तो दूसरा एक मेन मुद्दा होता है, वो मनुष्य को भी खींच करके नरक में ले जाना चाहती है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। प्रकृति धीरे 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 विनाशकाल की ओर जा रही है, पुराना स्वभाव इसके अंदर भरा हुआ है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसको नया करना चाहता है। धरती को बहुत सारे बातें हैं प्रकाशित वाक्य इन दिनों में पढ़ने के लिए और मनन करने के लिए, मेरी काफ़ी इच्छा है, और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तेरे भेदों को समझने के लिए अब मुझे आत्मा दे, और मुझे तेरे साथ चलने के लिए पवित्र सामर्थ्य में रहने के लिए, और तेरा ही बेटा बन के रहने के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि इन दिनों बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से सताए हुए हैं, हर यहाँ तक कि हर स्वभाव, हर मनुष्य जीवन उसके द्वारा प्रभावित किया हुआ है, क्योंकि उसके लक्षणों से मनुष्य के जीवन का स्वभाव में दोहरापन है। तो इससे यही लगता है कि मिसगाइड करने वाली यही दुष्ट आत्माएँ हैं। तो प्रियो, हम उनको अवसर न दें। और वो खुद कहती है कि मैं अपने जिस घर से निकली थी उसी घर में लौट जाऊंगी। उसका यही प्रयास रहता है कि जहां वो थी वहां पर जाएगी। वो दुष्ट आत्माएं मनुष्य के जीवन में जा करके अलग 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 प्रकार के पाप करवाती है, किसी की बुद्धि बांध देती है तो वो पागल की तरह घूमता रहता है, कोई नशे के द्वारा, कोई लड़ाई झगड़ों के द्वारा, कोई घबराहट के द्वारा, कोई अटैक के द्वारा, इस तरह से नष्ट करते 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 लोगों को बर्बाद करते हुए वो जा रही है। तो वो वापस लौट करके मनुष्य के जीवन में जाऊंगी, वहाँ पर ही मुझे विश्राम मिलेगा, ऐसा सोच रही है। जब वहाँ पहुँचती है तो उसको झाड़ा फुहारा और सुसज्जित पाती है। तो वहाँ पर जैसे ही वो मनुष्य के करीब गई तो उसने क्या देखा कि जिस जगह में मैं रहती थी वो तो व्यवस्थित है, झाड़ा फुहारा है और व्यवस्थित हो चुका है। भाई किसने किया मनुष्य का जीवन झाड़ फुहार सुव्यवस्थित किसने किया? जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, यीशु मसीह ने आकर के वहाँ पर झाड़ा फुहारा व्यवस्थित किया, मनुष्य के जीवन को चंगाइयों से भरा और व्यवस्थित करना शुरू किया। तो बाहर से जब दुष्ट आत्मा ने देखा मनुष्य के जीवन में तो वो तो व्यवस्थित था, लेकिन अंदर यीशु था, इसलिए उसमें वो प्रवेश नहीं कर पाई। लेकिन मनुष्य ने फिर पाप करना शुरू किया, फिर बुराई करना शुरू किया, और यीशु और उसका वचन और उसका आत्मा फिर से मनुष्य के जीवन से निकल गया। फिर भी बाहर से देखा तो अंदर कोई नहीं है पर झाड़ा बुहारा है, तो वो दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करती। देखिए उसकी चालाकी कितनी है, अगर वो वापस अकेली जाएगी तो वापस जब मनुष्य प्रार्थना करेगा तो उसको भागना पड़ेगा, इसीलिए वो दोबारा क्या करती है, देखिए वापस से इधर उधर घूमने जाती निर्जल स्थानों में, और वो दूसरी दुष्ट आत्माओं से मुलाकात करती है और उनको बोलती है कि आप मेरे साथ चलो, मैं पहले अकेली थी एक मनुष्य के जीवन से, वहां से मुझे निकलना पड़ा था क्योंकि मैं अकेली यीशु का सामना नहीं कर पाई, उस मनुष्य का सामना नहीं कर पाई। तो आप आइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दुष्ट आत्माएं और वो खुद होकर के 8 मिल करके वापस से उस सुसज्जित घर मनुष्य जीवन में घुसती है। और बाइबल बताती है कि वह 7 अन्य दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है और उसमें प्रवेश करती है और बस जाती है, और मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और बाद में जब दुष्ट आत्माएं उनके अंदर घुसती है तो वह पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देती है। प्रिय भाइयों बहनों, आप क्या सोचते हो, यहाँ पर मनुष्य ही दिख रहे हैं, गाड़ियाँ और कुछ व्हीकल्स आते जाते दिख रहे हैं, दुष्ट आत्माएं नहीं दिख रही, लेकिन वो उतनी ही क्रियाशील है जितना मनुष्य क्रियाशील नहीं है। तो प्रियो, हमें इस अंतिम समय में इनके प्लान को, उनकी योजनाओं को जब समझे तो हमें प्रार्थनावेदि बनना है, हमें वचन को सीखने वाले बनना है, और हमें पुकारने वाले बनना है, और हमें पाप से अलग रहना है। लोभ, लालच, कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन, सारी बातों से हमें आज़ाद रहना है और प्रभु यीशु के अनुग्रह में बढ़ते रहना है। प्रियो, आज मैं यही सीखेंगे कि ये दुष्ट आत्माओं की चालों को आप समझ जाओ और यीशु के चरणों में आ जाओ, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर दे और प्रभु आपको छुटकारा दे दे। प्रियो, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन
मेरा मन यही करता है कि प्रभु तूने जिन वचनों के द्वारा हमारा उद्धार किया है और जिन बातों के द्वारा तू हमारे जीवन में रहता है और प्रभु रहना चाहता है, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर का मंदिर है, तो उस मंदिर को क्यों दुष्ट आत्माओं को देना है, हमें परमेश्वर के संग में बने रहना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।